Well, student, last day we discussed what kinds of main factor required for production. Land and labor already we have discussed. Third topic जो था हम लोग को डिस्कस करना था फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल किसको कहते हैं? थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी किसी भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वेराइटी ऑफ इनपुट चाहिए, आंतरिक चीज़ें चाहिए या बहुत सारी वस्तुएं चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके. तो व्हाट काइंड्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आर रिक्वायर्ड? द फिजिकल कैपिटल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं? जिसको हम फिक्स कैपिटल को हिंदी में कहते हैं अचल संपत्ति, अचल पूंजी. दैट कैन नॉट मूव, दैट कैन नॉट रन. वह चल नहीं सकती है, वह स्थिर पूंजी है. जैसे आपकी ज़मीन हुआ, घर हुआ, दैट इज काउंटेड एज ए फिक्स कैपिटल. जैसे किसी कंपनी में टूल्स हुआ, मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, या उसका वह घर है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल. ये सभी फिक्स कैपिटल के पार्ट है. सच टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. मशीन जरूरी है, उसका ज़मीन जरूरी है किसी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए. उसमें बहुत सारे टूल्स, कंप्यूटर या अदर टाइप ऑफ मशीन्स आर रिक्वायर्ड. ये सभी काउंटेड एज ए फिक्स कैपिटल. जस्ट लाइक वर्किंग कैपिटल, मनी इन हैंड, जो उस कंपनी के पास रुपया पैसा है, रॉ मटेरियल्स है, फिनिश गुड्स है, वर्किंग कैपिटल है. यह चल पूंजी है, यह उस कंपनी के लिए फिक्स पूंजी नहीं है. रॉ मटेरियल आया, फिनिश गुड्स में चेंज हुआ, फिर मार्केट में चला गया. पैसा आज है, दूसरे जगह पैसा वो चला गया. दैट इज काउंटेड एज ए रनिंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के रूप में इसे काउंट किया जाता है. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है. आफ्टर दैट फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल प्रोड्यूस आउटपुट अदर टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो फोर्थ टाइप क्या चाहिए? तो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में टू टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर प्रेजेंट. दो तरह के लेबर प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड होते हैं, एक नॉन स्किल्ड होते हैं. स्किल्ड जिनके पास कुछ जानकारी है, कुछ नॉलेज है, जो अपने बुद्धिमत्ता के बल पर कुछ वर्क कर सकता है, दैट टाइप ऑफ लेबर, दैट टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर काउंटेड. जो ट्रेंड है, सच टाइप ऑफ कैपिटल, सच टाइप ऑफ पर्सन आर कॉल्ड द स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल. एंड दोज पर्सन्स हु आर अनट्रेंड, दे हैव नॉट नॉलेज टू डू एनी काइंड्स ऑफ वर्क, सच टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड नॉन स्किल्ड. उन्हें अनस्किल्ड कहा जाता है. तो किसी भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लास्ट में दिया हुआ है. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत है. किसी भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए. व्हाट आर मेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, यह यहाँ पर क्वेश्चन होगा. व्हाट आर मेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन? तो ये चार फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी हैं. नेक्स्ट, लैंड इज फिक्स्ड. लैंड क्यों फिक्स है? लैंड इज फिक्स्ड. सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पालमपुर गांव के बारे में. तो पालमपुर गांव के बारे में बतला रहा है कि 75% पीपल जो हैं वह अपने काम के लिए, अपने लिविंगहुड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मिंग पर डिपेंड है. दे वर्क ऑन फील्ड, जो फील्ड पर यानी खेतों पर काम करते हैं. दे वर्क एज ए फार्म लेबर, यानी खेत में काम करने वाले मजदूर के रूप में काम करते हैं. एंड दैट इज देयर मेन लिविंगहुड, और वह उनकी मुख्य जीविका है. द लैंड ऑफ दैट विलेज,
उस गांव की जो जमीन है वो फिक्स है। ऑन दैट लैंड ऑल पीपल यानी 75% पीपल डिपेंड फॉर देयर लिवलीहुड, और उस गांव की 75% पॉपुलेशन जो है उस अपनी जीविका के लिए उस जमीन पर ही आश्रित है। क्या जमीन को वहां पर बढ़ाया गया कुछ समय के बाद? लैंड इज फिक्स, जो जमीन है सीमित है, लेकिन सम पार्ट ऑफ द लैंड वाज वेस्ट लैंड। क्यों वेस्ट लैंड था? देयर वाज नो इरिगेशन फैसिलिटीज ऑन दैट टाइम, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी। सो दैट वह जमीन जो थी ड्यू टू दैट रीजन दैट टाइप ऑफ लैंड वाज काउंटेड एज ए वेस्ट लैंड। उस प्रकार की जमीन को वेस्ट लैंड के रूप में काउंट किया जाता था। आफ्टर दैट इंक्रीजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी दैट लैंड इंक्लूडेड इन द मेन लैंड, उस जमीन को मेन लैंड में इंक्लूड किया गया। आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बुशेज ऑफ द सम रीजन, सम रीजन के बुशेज को क्लियर करके यह किया गया कि उसकी जमीन की एरिया, उस गांव के जमीन की एरिया को इंक्रीज किया गया, इनलार्ज किया गया, बढ़ाया गया, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और अधिक से अधिक लोग को उस जमीन पर वर्क मिल सके। इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड? क्या यह इज देयर ए वे, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि वन कैन ग्रो मोर देन फ्रॉम सेम लैंड? क्या कोई व्यक्ति सेम लैंड पर एक से अधिक फसलें उपजा सकता है? सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति, ये हम लोग डिस्कस नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर